चैनल गाइस, मेरा नाम है सोनाली सक्सेना एंड इस चैनल पर मैं मेकअप, फैशन एंड हॉल रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सारे के सारे जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं एंड मेरे चैनल का लिंक एंड मेरा एक अनदर चैनल भी है जिसमें मैं ब्लॉग्स शेयर करती हूँ, सो उसकी सारी की सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ जा करके मुझे फॉलो कर लेना एंड सब्सक्राइब कर देना। सो आज का जो वीडियो है गाइज़, वो स्टाइलिंग वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं सबको कुछ साड़ी वगैरह स्टाइल करके दिखाने वाली हूँ कि आप साड़ी को किस तरीके से क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल कर सकते हैं, बिकॉज ये चीज़ आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हो गई है। गर्ल्स आजकल टॉप के साथ, शर्ट्स के साथ साड़ी वेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं कुछ डिफरेंट टाइप के टॉप्स के साथ आपको साड़ी स्टाइल करके दिखाने वाली हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर फर्स्ट आउटफिट की बात करें तो यहाँ पर मैंने पहनी हुई है एक ग्रीन कलर की, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लाइट कलर का ग्रीन कलर की साड़ी वेयर की है एंड इसे पहनना बहुत ज़्यादा इजी था एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, बिकॉज इसका कपड़ा जो था ना गाइज, वो कुछ इस तरह का मटेरियल था कि एक तो सबसे ज़्यादा लाइट था एंड इसे पहनने में मुझे बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हुई। इसकी प्लेट्स वगैरह बहुत ही आसानी से बन गई थी और इसको मैंने गाइज स्टाइल किया है एक पिंक कलर के क्रॉप टॉप के साथ। ये कुछ मेरा रिब्ड मटेरियल वाला क्रॉप टॉप है जो कि मैंने सरोजनी नगर से लिया था। इसके साथ मैंने इसको वेयर किया है एंड साथ ही मैंने पिंक कलर के प्लस ग्रीन कलर के झुमके वेयर किए हुए हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आपको बस अपने टॉप के कलर पर ध्यान देना है एंड अपने साड़ी के कलर पर ध्यान देना है। एंड यू कैन सी दैट कि मेरी जो साड़ी है उसमें छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए हैं जो कि पिंक कलर के हैं जो कि पूरी तरह से मैच हो रहे हैं। एंड साथ ही मेरी जो साड़ी है गाइस, उसमें किनारे पर एक लाइनिंग दे रखी है जो कि पिंक कलर की है, सो वो काफ़ी अच्छे से मैच कर रही है मेरे क्रॉप टॉप के साथ। सो गाइज, आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, अपनी साड़ी से मैच करता हुआ कुछ इसी तरीके से आपको क्रॉप टॉप मैच करके आप वेयर कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा लगेगा। आजकल रिब्ड मटेरियल का टॉप बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप रिब्ड मटेरियल के इस तरह के क्रॉप टॉप वेयर कर सकते हैं अपनी साड़ी के साथ में। एंड साथ में मैंने यहाँ पर झुमके जो वेयर किए हैं, यू कैन सी दैट इसमें ग्रीन एंड पिंक दोनों ही कलर हैं और दोनों ही कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरी साड़ी के साथ में। साथ ही यहाँ पर मैंने मीशो की ट्रांसपेरेंट हील्स पहनी जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट साड़ी की। सो गाइज, यहाँ पर मैंने मेहंदी कलर की साड़ी वेयर किया है जो कि एक ग्रीन कलर ही है। इसको मैंने स्वेटर के साथ यहाँ पर किया हुआ है जो कि मेरा एक क्रॉप स्वेटर है, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि स्वेटर थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है तो मैंने इसे अपनी ब्रालेट के अंदर टक कर लिया था। आप भी इस तरीके से वेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, आपको इस तरीके से नहीं पहनना है, तो डेफिनेटली आप इसको विदाउट टकिंग के भी पहन सकते हैं। मुझे लग रहा था कि टकिंग करने के बाद ये और ज़्यादा खिल के आ रहा है, और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर टकिंग की थी। तो इस तरीके से आप टकिंग करके इस तरह का स्वेटर वेयर कर सकते हैं। और साथ में अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो गाइस, यहाँ पर मैंने येलो कलर के बहुत ही ब्यूटीफुल से झुमके वेयर किए हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। एंड यू कैन सी दैट कि यहाँ पर जो साड़ी गाइस मैंने वेयर की है वो मैंने सीधे पल्लू की ली है, मैंने फ्रंट से पल्लू नहीं लिया है क्योंकि उससे मेरा जो स्वेटर था उसका लुक पूरा का पूरा दब जा रहा था और शो नहीं हो पा रहा था, हाईलाइट नहीं हो पा रहा था एक्चुअली में। सो इस वजह से मैंने इसको फ्रंट से सीधे पल्लू की साड़ी ली है एंड ये जो साड़ी है इसमें पल्लू में नीचे की साइड में काफ़ी ब्यूटीफुल से फ्रिल बने हुए थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे और मुझे लग रहा था कि वो बैक की जगह फ्रंट में आएंगे तो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे, दैट्स वाई कि मैंने यहाँ पर सीधे पल्लू की साड़ी वेयर की है। तो आप भी इस तरीके से अपनी जो साड़ी है इस तरीके से इसको सीधे पल्लू में स्टाइल करके पहन सकते हैं स्वेटर वगैरह के साथ, और सेम चीज़ जो है आप किसी टॉप के साथ भी कर सकते हैं। बट मैं आपको डिफरेंट तरीके से स्टाइल करके दिखाना चाहती थी कि आप डिफरेंट टाइप के टॉप्स वगैरह के साथ स्टाइल कर पाएँ, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने स्वेटर का यूज़ किया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट साड़ी गाइस मैंने यहाँ पर वियर की है वो मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिल्क वाली सैटिन वाले कपड़े की साड़ी वियर की है जो कि ब्लू कलर की है, जिसमें ये स्काई ब्लू कलर की साड़ी है एंड इसमें जो बॉर्डर दे रखा है वो डार्क वाला ब्लू कलर है जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। इसके साथ मैंने वाइट कलर की शर्ट पहनी है जो कि ज़ारा की शर्ट है एंड ये जो शर्ट है गाइस ये क्रॉप शर्ट है एंड इसकी जो स्लीव्स हैं वो शर्ट वाले लुक में नहीं है, बिल्कुल टॉप वाले लुक में है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्लीव्स हैं। तो यहाँ पर मैंने शर्ट को फ्रंट से जो है बांध लिया है
और उसके बाद ये इसका जो लुक है वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल आ रहा है, और मैं चाहती थी कि मेरी जो मैंने शर्ट को जो लुक दिया है वो चीज़ शो हो। तो यहाँ पर मैंने पल्लू को सेंटर में से नहीं लिया है, थोड़ा सा साइड में से लिया है, ताकि मेरा जो वो मैंने स्टाइल किया है शर्ट के साथ, जो मैंने स्टाइलिंग की है वो चीज़ शो हो। तो इस वजह से मैंने इस तरीके से स्टाइल किया है। एंड साथ ही मैंने इसके साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ट्राई की है, जो कि बहुत बहुत परफेक्टली मैच कर रही है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। तो आप इस तरीके से वाइट शर्ट के साथ कॉम्बिनेशन करके पहन सकते हैं अपनी साड़ी को, और साथ में ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने नेकलेस वियर किया है, जो कि मल्टी कलर का नेकलेस है, एंड इसके साथ इयररिंग्स भी हैं। आप चाहें तो मल्टी कलर, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम इसी तरह का नेकलेस वियर करना है, आप चाहें तो इसके साथ में कोई भी सिल्वर ज्वेलरी वियर कर सकते हैं, या फिर ब्लू कलर की कोई एथनिक ज्वेलरी भी ट्राई कर सकते हैं। मैं चाहती थी कि ये लुक जो है थोड़ा सा कैजुअल भी हो, दैट्स व्हाई कि, और मैं ऑक्सीडाइज लुक चाहती थी, तो दैट्स व्हाई कि मैंने यहाँ पर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का यूज़ किया है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली ज्वेलरी चेंज भी कर सकते हैं। हम अगर ब्लू कलर की ज्वेलरी पहनते तो वो भी काफ़ी अच्छी लगती इस आउटफिट के साथ में। सो आई होप आपको ये जो लुक है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, बिकॉज मुझे भी ये पर्सनली बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये वाला लुक। इसके बाद जो नेक्स्ट लुक है गाइस, वो मैंने यहाँ पर ट्राई किया है एक डार्क ग्रीन कलर की साड़ी, जो कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल की साड़ी है। इसमें पूरे में गोल्डन कलर का वर्क दे रखा है, ग्रीन कलर की साड़ी है, एंड साथ ही यहाँ पर मेरा बेबी भी है, जो कि बहुत बहुत परेशान कर रहा था। सो इसके साथ साथ ही मैं यहाँ पर आप लोगों को स्टाइल करके दिखा देती। सो गाइस, यहाँ पर मैंने जो है क्रॉप टॉप वेयर किया हुआ है रेड कलर का, और सच कहूँ तो ये मेरा क्रॉप टॉप नहीं, ये मेरी एक ड्रेस है जिसे मैंने वेयर किया है, बट आप चाहें तो क्रॉप टॉप वेयर कर सकते हैं, मैंने आपको एक आइडिया दिया है। सो आप चाहें तो साड़ी के साथ में क्रॉप टॉप भी ट्राई कर सकते हैं, क्रॉप टॉप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट इयररिंग्स पहने हुए हैं। वैसे आप अगर इस लुक को और ज़्यादा हैवी करना चाहते हैं तो यहाँ पर नेकलेस भी वेयर कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा था कि इस लुक को लाइक इसी तरीके से रखा जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्टली अच्छा लगेगा, और यहाँ पर इसलिए मैंने बस एक बिग बिग बड़े बड़े से स्टेटमेंट इयररिंग्स ले लिए रेड कलर के, जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। एंड ये जो लुक है गाइस, ये बहुत प्यारा लग रहा है। एंड साथ ही मैंने यहाँ पर रेड कलर की चूड़ियाँ भी वेयर की हैं, जो कि बहुत ही क्यूट लग रही हैं। एंड यहाँ पर मैंने बिंदी वगैरह यूज़ नहीं की है, बट अगर आप नेकलेस वगैरह वेयर कर रहे हैं तो आप बिंदी भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। इस लुक को भी गाइस आप किसी भी पार्टी में, किसी भी फंक्शन में, या फिर किसी भी कैजुअली भी गाइस, इस लुक को आप किसी भी पार्टी में, फंक्शन में ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लुक गाइस मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, वो मैंने यहाँ पर ली है डार्क ग्रीन कलर की साड़ी, एंड इसके साथ मैंने वेयर किया हुआ है सैटिन का क्रॉप टॉप। आपके पास जो भी सैटिन के क्रॉप टॉप है उनको आप साड़ी के साथ ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज सैटिन के जो क्रॉप टॉप होते हैं गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं साड़ी के साथ में। मैंने बहुत बार इस तरीके से साड़ी स्टाइल करके लाइक पहनी है, और काफ़ी सारे पिंटरेस्ट पे और काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स भी देखी हैं। अगर आप सैटिन टॉप के साथ साड़ी वेयर कर रहे हैं तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। बस आपका जो मैचिंग मिक्स एंड मैच कर रहे हैं जो आप साड़ी एंड क्रॉप टॉप को, बस वो चीज़ आपको कलर्स कॉम्बिनेशन का देखना है। बाकी इस तरीके से आप वेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डार्क कलर की साड़ी ली है, एंड यहाँ पर मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा लाइट पीच कलर का टॉप वेयर किया हुआ है सैटिन का, जो कि मिंत्रा का टॉप है, एंड इसकी जो स्लीव्स है वो बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और साथ में गाइस मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर के बहुत ही बड़े बड़े झुमके पेयर किए हुए, स्टेटमेंट झुमके, जो कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। यहाँ पर जो मेरे झुमके हैं गाइज, यू कैन सी दैट इसमें रेड कलर भी दे रखा है, गोल्डन कलर भी है, एंड ग्रीन कलर भी है। सो काफ़ी ब्यूटीफुल झुमके हैं, एंड मिंट ग्रीन कलर की मैंने यहाँ पे चूड़ियाँ वेयर की हैं, और मेरे जो झुमके वो गाइज डार्क ग्रीन कलर के हैं। मैंने साथ में यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर की बिंदी भी लगाई है, एंड मेरे जो झुमके हैं गाइज वो उसमें रेड कलर दे रखा था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर रेड कलर के लिप्स किए हैं, जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो आप इस तरीके से लुक, पूरा लुक क्रिएट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लुक है। एंड आई होप आपको ये सारे के सारे लुक्स पसंद आए होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैंने आपको जिस जिस तरीके से साड़ी को स्टाइल करके दिखाया है, आई होप आपको वो सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। और काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा है, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करना। यू नो कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो डेली बेसिस पर ये शोर आता ही रहता है। सो गाइज, यहाँ पर आपको कौन सा लुक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और आज के लिए इतना ही गाइज, अगर आप चाहते हैं मैं और भी इसी तरह की स्टाइलिंग वीडियोज़ बनाऊँ, सो मुझे आइडियाज़ वगैरह आप देते रहना। और आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइज़।